फेलोज, आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि आपको फॉर्म फैक कैसे फिल करना है, कैसे आपको गांधी फेलोशिप में अप्लाई करना है, तो हियर आई एम रिचा विद यू. मैं आपके सारे डाउट्स जो है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है. सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है, वहाँ पे डालना है गांधी फेलोशिप. जैसे आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है. जो यहाँ पे फर्स्ट लिंक आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना है. ये हमने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, ये जो है आपका पूरा गांधी फेलोशिप का पूरी वेबसाइट ओपन हो गई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको साइन अप करना है. ये देखिए ये आपका पूरा फॉर्म ओपन हो गया है. अब हम आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है. जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम आपको बता देते हैं. द एप्लीकेंट एज शुड बी लेस देन 26 इयर्स ऑन 2 अक्टूबर 2023. जो एप्लीकेंट की एज है, जो अप्लाई कर रहा है, जो उसकी एज है वो 26 साल से कम होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो उसकी ग्रेजुएशन है, जो भी उसने यूजी या पीजी किया है वो उसका कंप्लीट हुआ होना चाहिए. और इसके दौरान यानी कि जब अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हैं, आपका गांधी फेलोशिप में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें आपको कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी एग्जाम के बीच में. क्योंकि अगर आप कोई एक्सक्यूज देते हैं कि आपके एग्जाम है आपको छुट्टी चाहिए, तो इस टाइम पे आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी. क्योंकि ये फुल टाइम का प्रोसेस है और जिसमें आपकी अकेडमिक्स की जो परसेंटेज मानी गई है वो आपकी 55% रहने वाले हैं. तो अगर आपके 55% आपकी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपकी 55% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है. लास्ट है गांधी फेलोशिप इज फुल टाइम कमिटमेंट. गांधी फेलोशिप एक फुल टाइम कमिटमेंट है और इसमें जो आप ज्वाइन करेंगे वो अगस्त से कि आने वाला जो साल है 2024 जो आने वाला साल है उसमें आप अगस्त से इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी. यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, जैसे हम अपना ही डाल देते हैं. फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम डालना है, अदरवाइज आपको अपना लास्ट नेम डालना है. और उसके बाद लास्ट नेम डालने के बाद इसमें आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल. नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है आप वो सिलेक्ट करेंगे. हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं. और आपको जो भी फिल करना है आपको बिल्कुल सही इसमें गाइडलाइंस फिल करनी है. आप कुछ भी गलत फिल मत कीजिएगा. अगर आपने गलत फिल किया तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद अपना आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे. और उसके बाद अगर आपके पास कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे. और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चंस है, वी आर वर्किंग विद ट्राइबल कम्युनिटीज एंड आर एक्टिवली लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू द ट्राइबल कम्युनिटीज और हैज स्टडीड और कम्प्लीटेड द कोर्स ऑन ट्राइब्स, प्लीज टेक द फॉलोइंग. आई बिलोंग टू ट्राइबल कम्युनिटी. ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ये आपसे सर्टिफिकेट भी मांगेंगे. अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपके पास ST का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे. अगर आपने ट्राइबल कम्युनिटीज की स्टडीज की हुई है तो आप यस करेंगे. उसके बाद है आई हैव स्टडीड कम्प्लीटेड द कोर्स ऑन ट्राइब्स. अगर आपने ट्राइब्स के ऊपर कोर्स कम्प्लीट किया हुआ है तो यस करेंगे. अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आप नो फिल करेंगे. नेक्स्ट है हाउ डिड यू फर्स्ट हियर अबाउट गांधी फेलोशिप प्रोग्राम. आपको गांधी फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ पे आ जाता है कि आपको गांधी फेलो से, जो पुराना कोई गांधी फेलो है जो इसमें काम करता है, आपको वहाँ से पता लगा, या किसी टीचर प्रोफेसर से पता लगा, फ्रेंड से पता लगा, डिजिटल मीडिया से, कॉलेज एंगेजमेंट से, या अदर से. आपको जिनसे भी पता लगा है आप उस पर टिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे. नेक्स्ट हैव यू ज्वाइन गांधी फेलो इन द पास्ट. क्या आपने पास्ट में कोई गांधी फेलो ज्वाइन किया है, अगर फेलोशिप ज्वाइन की, अगर आप पास्ट में इनके साथ काम कर चुके हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे टिक करेंगे. नेक्स्ट है कि क्या आपने किसी, आर यू पर्सुइंग कंप्लीटेड एनी काइंड ऑफ फेलोशिप. क्या आपने किसी भी तरह की कोई फेलोशिप कंप्लीट की है, अगर की हुई है या आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे. तो ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद ये भी वही है कि सिलेक्ट द स्टेट ऑफ करंट और लास्ट अटेंडेड कॉलेज. आपको बेसिकली यहाँ से डेट चूज करनी है कि आपने लास्ट कॉलेज अपना कब अटेंड किया था. नेक्स्ट है करंट और लास्ट अटेंडेड कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम. यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का नेम डालना है जिससे भी आपने अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट की है. जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आ रहा है अमिटी यूनिवर्सिटी आ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के नेम है, आपको वो सिलेक्ट करनी है. अगर यहाँ पे ऑप्शन में आप नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे उसको बेसिकली सर्च भी कर सकते हैं.
नेक्स्ट है आपने क्या कोर्स किया था, जो भी आपने कोर्स किया था, बीए की है, बीएलएलबी, बीएएमएस, जो भी आपने कोर्स किया है, एमबीए, बीएससी, बीबीए, तो आप यहाँ से वो सर्च करेंगे। कोर्स सर्च करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है Have you completed your graduation or will it be completed by July 24? क्या आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं या वो जुलाई 2024 तक पूरी होगी? कर चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो करेंगे। Will your post graduation diploma any other course is pursued by completed? ये सेम वही चीज़ पूछ रहे कि क्या आपका कोई डिप्लोमा है, कोई कोर्स है जो आपका जुलाई 2024 तक पूरा होगा, तो सेम आपको टिक करना है कि कंप्लीट कर चुके हैं तो उस पर करेंगे, ऑलरेडी कंप्लीटेड, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, नहीं कर रहे हैं तो नो कर रहे हैं तो यस, इस तरह से आप उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है और ये है आपका If you have not cleared any paper, अगर आपकी किसी में बैक आई है, आपकी सप्ली है, तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपको जो आपके जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए होते हैं, उनका मोस्टली सीजीपीए में आता है, तो अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, आपका सीजीपीए है, जो भी है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया है, जो भी आपका सीजीपीए होगा उसे आप 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी, तो सेम यहाँ पे आप अपने 10th का परसेंट डालेंगे, उसके बाद अपना 12th का परसेंट, फिर यूजी और फिर पीजी का आप अपना परसेंट डाल के यहाँ पे लास्ट में आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे कि जो भी गाइडलाइंस है, जो भी अपडेट्स हैं आपने वो सही भरी है। और ये कह रहा है ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी सेंड थ्रू ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप, तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको मैसेज आएगा इस प्रोसेस के रिगार्डिंग, वो आपको मेल आएगा, एसएमएस आएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म पूरी तरह फिल नहीं हुआ है, इसलिए नेक्स्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट का हम आपको ऑप्शन बता दें, नेक्स्ट में थोड़ा ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको गांधी फेलोशिप के बारे में कहाँ से पता चला, या फिर आप गांधी फेलोशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है ज्वाइन करने के पीछे, आप क्या सोच रखते हैं, और आपने आप इससे पहले किसी एनजीओ वगैरह में काम कर चुके हैं या नहीं कर चुके, तो इस तरह के सवाल नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज में आपसे पूछे जाएंगे, तो उनका आपको सही से जवाब देना है, जो भी आपने काम किया है या नहीं किया है उस तरीके से आपको उनको फिल कर देना है। और वो कुछ डेडलाइन देते हैं कि 4000 वर्ड का होना चाहिए, 2000 का या 1000 वर्ड का, तो वो आपका लिमिट होता है वर्ड लिमिट्स कि आपको उतने वर्ड में अपना आंसर देना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना रहे, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए और देखते रहिए यूथ विजन एनजी। थैंक यू।